अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है साइनोवियल जॉइंट्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जॉइंट्स की दो टाइप्स होती हैं, सिनार्थ्रोसिस और डायार्थ्रोसिस। सिनार्थ्रोसिस विदाउट कैविटी जो जॉइंट्स होते हैं उन उनमें वो होते हैं, और डायार्थ्रोसिस जो कैविटेटेड जॉइंट्स होते हैं वो। और डायार्थ्रोसिस की एक मेजर टाइप है साइनोवियल जॉइंट्स, जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स के बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे इसका मेजर फीचर ये है कि इसमें एक जॉइंट कैविटी होती है, और दोनों बोनी सर्फेसिस के दरमियान में एक जॉइंट कैविटी होती है। बोनी सर्फेसिस डायरेक्ट लिंक नहीं होती, बल्कि उनके दरमियान में जॉइंट कैविटी होती है। और इनकी इनके एक ये फीचर भी है कि बोनी दो बोन्स फाइब्रस कैप्सूल होती है दो बोन्स के इर्द गिर्द, जो इनको दो बोन्स को लिंक करती है। और फाइब्रस कैप्सूल्स के अलावा इनके दरमियान में फाइब्रस कैप्सूल की जो कवरिंग होती है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, उसमें हाइलिन कार्टिलेज होता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होता है, जिसको हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और जो जॉइंट कैविटी होती है इन बोन्स के दरमियान में, जो साइनोवियल जॉइंट्स बनाती है, उसमें उसकी जो इनर सरफेस होती है, उसको हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है, और वो इनर एस्पेक्ट ऑफ फाइब्रस कैप्सूल पे होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल फ्लूइड क्या करती है, फैसिलिटेट्स द स्लाइडिंग ऑफ आर्टिकुलर सर्फेस अगेंस्ट वन अनदर। और जॉइंट कैविटी में साइनोवियल मेम्ब्रेन के अलावा फाइब्रोकार्टिलेजनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें आर्टिकुलेट डिस्क, मेनिस्की और लेब्रा होते हैं, जिनको हम लोग आगे चल के वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस जो आपको ये डायग्राम शो हो रही है, इसमें ऊपर वाली डायग्राम में देखें, आपको ऊपर नीचे जो आपको ग्रैन्यूलर से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ऊपर और नीचे, ये बोन्स हैं। और इस बोन्स की जो दरमियान में स्पेस है, उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट कैविटी। और जॉइंट कैविटी से बिल्कुल नीचे जो आर्टिकुलर सर्फेस है दोनों बोन्स की, वहाँ पर है आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज। जॉइंट कैविटी की जो इनर सर्फेस है उसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। जॉइंट कैविटी नहीं, सॉरी, फाइब्रस कैप्सूल की जो इनर सरफेस है उसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। या जॉइंट कैविटी की जो आउटर सरफेस है उसको हम लोग जॉइंट कैविटी पे जो लेबलिंग हुई हुई है साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। फ्लूइड रिलीज़ करती है, साइनोवियल फ्लूइड उसे कहते हैं। अब हम लोग वन बाय वन साइनोवियल जॉइंट्स के फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज स्पेशल टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होता है, जो दो बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं उन पर होता है, और ये दो बोन्स के दरमियान में होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज यूजली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है बोन्स की मूवमेंट के लिए। आर्टिकुलर कार्टिलेज के फीचर्स ये हैं कि ये इलास्टिक होता है, कंप्रेसिबल होता है, और इसी वजह से दो बोन्स इजीली एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती हैं, ये मूव कर सकती हैं, और ये इसीलिए शॉक एब्जॉर्बर होता है। हमारी जो भी बोन्स की मूवमेंट होती है उनके दरमियान में होता है, दो बोन्स के दरमियान में होता है, और ये कार्टिलेज होता है। और इसी वजह से जब आप लोग मूवमेंट, कोई भी जॉइंट पे मूवमेंट होती है, तो ये जो भी एक दूसरे पे स्लाइड करता है, इन बोन्स इन दोनों के दरमियान, इसके दरमियान में स्लाइड करती हैं, और यहाँ पर शॉक एब्जॉर्प्शन होती है। यूजली ये यंग पीपल या अडल्ट में इसका आर्टिकुलर कार्टिलेज का साइज़ बड़ा होता है या थिक होती है ये। और जैसे जैसे एज गुजरती है या बंदा बूढ़ा होता है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज थिन होता जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज के यूजली ना नर्व्स होती हैं और ना ब्लड वेजल्स पास करती हैं, तो ये अपनी न्यूट्रिशन साइनोवियल फ्लूइड से ड्राइव करता है थ्रू डिफ्यूजन, और या ब्लड वेजल्स जो अंडरलाइंग बोन टिश्यू पे होती हैं उससे अपनी न्यूट्रिशन इसको न्यूट्रिशन मिलती है। उसके बाद इसके बाद हम लोग फाइब्रस कैप्सूल को डिस्कस करते हैं। फाइब्रस कैप्सूल साइनोवियल जॉइंट किस को सराउंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कफ, और कफ ये पूरी आर्टिकुलर एंड्स ऑफ बोन्स को अनइंटरप्टेडली सराउंड करता है। शॉर्ट बोन्स पे फाइब्रस कैप्सूल की अटैचमेंट वेरी नियर टू मार्जिन्स ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, जबकि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उन पे जो आर्टिकुलर कैप्सुलर अटैचमेंट होती है, सम पार्ट या उसका ज़्यादातर पार्ट जो होता है कंसिडरेबल डिस्टेंस अवे फ्रॉम आर्टिकुलर सर्फेसिस होता है। और फाइब्रस कैप्सूल का काम ये होता है कि वो बोन्स को होल्ड करने में हेल्प करता है टुगेदर, और कंसिडरेबल मूवमेंट करवाता है बोन्स की। फाइब्रस कैप्सूल की अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं,
और इसकी जो ये अपने न्यूट्रिशन इनसे ब्लड वेजल से के थ्रू पूरी करता है। उसके बाद हम लोग लिगामेंट्स को डिस्कस करते हैं। लिगामेंट्स बैंड्स ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो जॉइंट्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। लिगामेंट्स यूजली दो फॉर्म्स में होती हैं, एक कैप्सुलर लिगामेंट्स और दूसरे एसेसरी लिगामेंट्स। कैप्सुलर लिगामेंट्स जो होती हैं एज थिकनिंग्स ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एग्जिस्ट करती हैं, और जो एक्सेसरी लिगामेंट्स होती हैं वो आर्टिकुलर कैप्सूल का पार्ट नहीं होती। और एक्सेसरी लिगामेंट्स में दो टाइप्स आती हैं, एक्स्ट्रा कैप्सूलर या इंट्रा कैप्सूलर। एक्स्ट्रा कैप्सूलर में क्रैक्रो क्लेविकुलर लिगामेंट आता है और इंट्रा कैप्सूलर में क्रूशिएट लिगामेंट की टाइप आती है जो नी जॉइंट पे होता है। लिगामेंट्स यूजली टफ होते हैं और इनइलास्टिक होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं और नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट्स जॉइंट्स पे करवाते हैं। ये लिगामेंट्स जो होते हैं इनकी नॉन एक्सटेंसिबल नेचर होती है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो जॉइंट्स पे एक्सेसिव और एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जॉइंट मूवमेंट में। अच्छा, लिगामेंट्स सेंसरी सप्लाई जो होती है, सेंसरी नर्व सप्लाई, वो लिगामेंट्स को एक्सेसिवली स्ट्रेच करने से रोकती है जब जॉइंट ओवरवर्क्ड होता है या बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है बोन्स पे जॉइंट पे। तो ये सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो लिगामेंट्स को एक्सेसिव स्ट्रेच करवाने से रोकती हैं। यूजली जब स्ट्रेस में होती हैं हमारी बोन्स या जॉइंट्स बहुत ज़्यादा हम लोग ओवरवर्कड होते हैं, मूवमेंट्स हो रही होती हैं, ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस होता है, तो तब जब लिगामेंट के टीयर होने का चांस ज़्यादा होता है, तो जब इस टीयर को हम लोग यूजली स्प्रेन कहते हैं, और इससे काफ़ी पेन और स्वेलिंग होती है जॉइंट पे। अब हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन थिन शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसकी जो ब्लड वेजेस और लिम्फैटिक्स रिच होती है, इनसे ब्लड वेजेस भी होती हैं और लिम्फैटिक्स भी होती हैं। ये फाइब्रस कैप्सूल की इनर सर्फिस पे होती है, बट जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है उस पर एक्सटेंड नहीं करती, मतलब उसकी आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर लाइनिंग नहीं करती अपनी, सिर्फ फाइब्रस कार्टिलेज कैप्सूल की इनर सर्फिस पे होती है। और ये इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स को कवर करती है और टेंडन्स, और लेकिन आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्की पे एब्सेंट होती है। ये जो लार्जर जॉइंट्स हो यूजली साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है नॉन आर्टिकुलर बोन्स को भी सराउंड करती है, लेकिन एजेस आर्टिकुलर कार्टिलेज के एजेस पे ये एंड हो जाती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन की पे आर्टिकुलर फैट पैड्स होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, जिनको हम लोग आर्टिकुलर फैट पैड्स कहते हैं। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पे यूजली होते हैं मैनी बहुत सारे जॉइंट्स पे, और ये आर्टिकुलर फैट पैड्स बिटवीन साइनोवियल मेम्ब्रेन और फाइब्रस कैप्सूल या बोन के दरमियान में होते हैं। और इन फैट पैड्स का काम ये होता है कि ये जॉइंट कुशंस के तौर पे हेल्प करते हैं पोटेंशियल स्पेसेस और रेगुलरिटीज़ ऑफ जॉइंट कैविटी को ये फिल करते हैं। अच्छा, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, तो इस वजह से ये बहुत चेंजिंग शेप चेंज को अकोमोडेट कर लेता है। जो चेंजेस हो रही होती हैं जो इरेगुलरिटीज़ वॉल्यूम की वजह से हो रही होती हैं उसको अकोमोडेट कर लेता है। साइनोवियल फ्लूड, साइनोवियल फ्लूड जॉइंट कैविटी में होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, विस्कस फ्लूड होता है, ये पेल येलो क्लियर और शाइनी होता है, और ये यूजली वाइट ऑफ एग्स से रिजेंबल करता है। साइनोवियल फ्लूइड को साइनोवियल मेम्ब्रेन रिलीज़ करती है, सिक्रीट करती है, जो जॉइंट कैविटी में ही होती है। और इसके यूजली फंक्शंस ये होते हैं कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है अपोजिंग आर्टिकुलर सर्फेसिस को, और न्यूट्रिशन आर्टिकुलर कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्की को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब आर्टिकुलर डिस्क को डिस्कस करते हैं। आर्टिकुलर डिस्क यूजली फाइब्रो कार्टिलेजनस डिस्क होती हैं, और ये स्टर्नो क्लेविकुलर और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स में यूजली होती हैं, तो सारे साइनोवियल जॉइंट्स में नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर साइनोवियल जॉइंट्स में आर्टिकुलर डिस्क होती है। आर्टिकुलर डिस्क का काम ये होता है कि ये जॉइंट कैविटी को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। अच्छा, अगर आर्टिकुलर डिस्क कंप्लीट होगी तो दोनों कंपार्टमेंट्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे या इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से काम करेंगे, लेकिन अगर आर्टिकुलर डिस्क कंप्लीट नहीं होगी या इनकम्प्लीट होगी तो उन दोनों के दरमियान में दो कंपार्टमेंट्स के दरमियान में गैप होगा, जिसकी वजह से ये दो कंपार्टमेंट इंटरकम्युनिकेट कर सकेंगे।
एक ये बात आपने याद रखनी है कि आर्टिकुलर डिस्क जो होती हैं वो फाइब्रो कार्टिलेज से उसकी कवरिंग हुई हुई होती है, हाइलिन कार्टिलेज से कवरिंग नहीं हुई हुई होती। जो कैप्सुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो हाइलिन कार्टिलेज की कवरिंग होती है उससे, और जो आर्टिकुलर डिस्क होती है वो फाइब्रो कार्टिलेज की कवरिंग से बना होता है। अच्छा, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो मार्जिन्स होती हैं वो फाइब्रस कैप्सूल और साइनोवियल जॉइंट से फ्यूज़ हुई हुई होती हैं, और जो आर्टिकुलर डिस्क यूजली ए वास्कुलर होता है, यानी इसकी कोई अपनी ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई नहीं होती। तो ये आर्टिकुलर डिस्क अपनी न्यूट्रिशन साइनोवियल फ्लूड से हासिल करती है, और इसको साइनोवियल फ्लूड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, जो फंक्शंस ऑफ आर्टिकुलर डिस्क हैं यूजली वो क्या हैं कि वो अनइक्वल और इनकॉन्ग्रियंट आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑफ बोन्स को एडजस्ट करता है सो दैट द सर्फेसिस फिट टुगेदर मोर इवनली। अच्छा, ये एक शॉक एब्जॉर्बर है, और इसके अलावा ये कंबाइंड मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करता है, मतलब हेल्प करता है जो अक्रंस कंबाइंड मूवमेंट्स हो रही होती हैं जॉइंट्स पे बोन्स की, उनको फैसिलिटेट करता है। ये नीचे वाली डायग्राम देखें, इसमें जो आपको दो बोन्स के दरमियान में एक बड़ा सा ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, ये आर्टिकुलर डिस्क है, और ये बोन्स को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। इसकी मार्जिन पे आप लोग देखें, जो मार्जिन्स हैं आर्टिकुलर डिस्क की वो फ्यूज़ करती हैं फाइब्रस कैप्सूल के साथ, और ये साइनोवियल जो मेम्ब्रेन ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उससे बिल्कुल अलग होती हैं। अच्छा, अब हम लोग मेनिस्की को डिस्कस करते हैं, जो साइनोवियल जॉइंट का एक फीचर है। ये भी एक फाइब्रो कार्टिलेज होता है, और ये इसकी शेप कैसी होती है, क्रीसेंट शेप वेज की फॉर्म में होता है, और यूजली जो मेनिस्की होते हैं ये नी जॉइंट पे पाए जाते हैं, जहाँ पर ये फेमोरल और टीबियल कॉन्डाइल्स के दरमियान में इंटरपोज हुए हुए होते हैं। मेनिस्की का काम ये होता है कि ये शॉक एब्जॉर्बिंग होते हैं और शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन के तौर पर काम करते हैं। अब साइनोवियल जॉइंट का एक लास्ट फीचर है लेब्रा। ये यूजली रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज होता है, जिसका सिंगुलर होता है लेब्रम, और ये साइनोवियल बोनी सॉकेट ऑफ साइनोवियल जॉइंट पे रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज होता है, इसको कहते हैं, और ये रिम ऑफ सॉकेट से अटैच होता है, विच इज़ अटैच टू द रिम ऑफ सॉकेट। अच्छा, जो लेब्रा होता है ये क्या करता है, डेप्थ ऑफ बोनी सॉकेट्स को इंक्रीज़ करता है, और दो जगह पे यूजली ये फाउंड पाया जाता है। इसकी लोकेशन दो लोकेशंस हैं, एक तो ये लेब्रम एज ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला पे होता है, और दूसरा रिम ऑफ एसिटेबलम ऑफ हिप बोन पे होता है। अच्छा, ग्लिनॉइड कैविटी पे जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लेब्रम ग्लिनॉइडेल, और जो रिम ऑफ एसिटेबलम पे होता है उसको हम लोग कहते हैं लेब्रम एसिटेब्यूलेर। ठीक है, ये याद रखने, लेब्रम ग्लिनॉइडेल और लेब्रम एसिटेब्यूलेर। अब हम लोग जो मूवमेंट्स एट साइनोवियल जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से साइनोवियल जॉइंट पे कौन कौन सी टाइप्स की मूवमेंट्स हो सकती हैं। सबसे पहले ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग मूवमेंट। अच्छा, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, जो ग्लाइडिंग मूवमेंट वो होती हैं जो वन प्लेन बोनी सर्फेस स्लाइड्स ओवर अनदर प्लेन बोनी सर्फेस टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। और ग्लाइडिंग मूवमेंट जो होती है ये सिंपल टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट होती है, और अच्छा, इसमें एंगुलेशन रोटेशन कोई भी नहीं होती है, सिंपल मूवमेंट होती है। और इसके बाद होती है एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट क्या होती है, इसमें एंगुलर मूवमेंट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द बोन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट। इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन आती हैं। क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द बोन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट है रोटेटरी मूवमेंट। रोटेटरी मूवमेंट में ये होता है बोन्स मूव्स अराउंड अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसमें रोटेटरी मूवमेंट में मीडियल और लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर एट द हिप जॉइंट आता है, और उसके अलावा रोटेटरी मूवमेंट होती है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, सॉरी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा पे ओडोन्टॉइड प्रोसेस होता है जो पिवट बनाता है, जिस पे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा रोटेट करता है, और साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ हेड जिसकी वजह से होती है, तो ये भी रोटेटरी मूवमेंट है। और जो मैंने पहले आपको बताया है कि जो लेटरल मीडियल लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर एट हिप जॉइंट मीडियल जिसकी वजह से हिप जॉइंट पे जो होती है उसकी वजह से मीडियल और लेटरल रोटेशन ऑफ थाई होती है,
और सबसे लास्ट पे जो मूवमेंट होती है वो सर्कमडक्शन होती है। सर्कमडक्शन कंबाइंड मूवमेंट होती है जिसमें बहुत सारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन चारों जब मिलती हैं, चारों मूवमेंट्स साइड टू साइड मतलब एक साथ हो रही होती हैं तो सर्कमडक्शन होती है। सर्कमडक्शन में यूजली डिस्टल एंड ऑफ बॉडी जो होता है वो मूव करता है सर्कल में, और इसमें चार मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन और एक्सटेंशन। अच्छा, इसमें यूजली डिस्टल एंड ऑफ जो बॉडी होते हैं वो अपर या लोअर लिम पे होती है मूवमेंट, तो ये बात आपको याद रखनी है। अपर लिम यानी शोल्डर जॉइंट पे जो इसका जो बेस होता है, बेस अच्छा ये कोन कोनिकल मूवमेंट होती है, कोन ऑफ स्पेस, मूविंग पार्ट सर्कमस्क्राइब्स अ कोन ऑफ स्पेस। तो जो कोन की जो बेस होगी वो डिस्टल एंड बनाएगी, और जो एपेक्स ऑफ कोन होगा जॉइंट एट विच सर्कमडक्शन अक्कर, जैसे अगर आप लोग अपर लिम पे मूवमेंट कर रहे हैं तो जो इसकी एपेक्स होगा वो शोल्डर जॉइंट बनेगा, और जो इसका जो डिस्टल पार्ट होगा वो इसका बेस बनेगा, जैसे हैंड होगा या कोई नीचे वाला वो इसका डिस्टल पार्ट बनेगा या बेस बनेगी। उस पर आप शोल्डर जॉइंट पे आप लोग मूवमेंट करवाएंगे चारों, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन। और अगर लोअर लिम पे देखें तो जो एपिक्स ऑफ कोन बनाएगा वो हिप जॉइंट बनाएगा। अच्छा, सर्कमडक्शंस बाल और सॉकेट जॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया हिप जॉइंट पे मूवमेंट होती है, बाल और सॉकेट जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, हिप जॉइंट्स और शोल्डर जॉइंट विच इन बाल और सॉकेट जॉइंट्स और सेलस जॉइंट जिसमें आता है कार्पल जॉइंट ऑफ थम। थम पे आपने पहले भी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर जो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा के थंब पे जो सर्कमडक्शन होती है वो बीसी में आती है, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब पे।